हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। और आज भी है हमारी डेट 3 जनवरी 2022। और अभी काफ़ी तगड़ा कोहरा हो गया है। और भाई सिंपल हम लोग इस सुअर को टहलाने आए ऊपर, और ब्लॉग तो अपने आप अपलोड हो जाता है मेरा। ये काफ़ी तेज नीचे भौंक रहा था तो मुझे लगा कुछ करेगा, तो हम ऊपर ले आए। काफ़ी कोहरा है, ये देखो तुम्हें पूरा व्यू। और मेरे मुँह से भी काफ़ी तगड़ी भाप निकल रही है, चला गया कोई मुंह में कोयला जला के डाल दिया। और कई कई ना दूर की बिल्डिंग्स भी नहीं दिख रही होंगी, वहाँ पे ना बहुत बड़ा सोलर पैनल वाला मकान है, भी हल्का हल्का दिख रहा है। क्या कर सकते हैं, कल रात भाई साहब जो कोहरा था ना, मतलब इससे तिगुना दोगुना तिगुना चौगुना जो भी आप ले लो उतना कोहरा। जो लोग बनारस में होंगे उन लोगों को पता होगा टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो पूरा मतलब इसके अंदर एक टी शर्ट भी पहनी हुई है, पैजामे के अंदर भी एक पैजामा पहना है मैंने। बहुत ठंडा लग रहा है सुबह से। और अभी टाइम मेरे हिसाब से हो रहा होगा 9:30 बज रहे होंगे। हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई, ये 8 तारीख तक हो गई है, 10 ही मान के चलते हम लोग। और अगर ऐसे ठंडा रहा तो और एक्सटेंड होगी, मज़े आएंगे। मैं डेली ब्लॉग चैलेंज तो कंप्लीट हो ही जाएगा, और देखते हैं कुछ दिखाने को रहता है तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको। तो हे गाइस, अभी बज गए शाम के 4 और मैं तब से बैठ के स्केच कंप्लीट कर रहा था। लगभग हो गई अब बस 10% और बची। आज मेरा प्लान था पूरा कंप्लीट कर दूंगा, पर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये इतनी बनी है बस, और इसके ना हेयर्स बनाने हैं मुझे अभी बस, जो ऊपर से आते हैं ना घोड़े के, यहाँ से ऐसे ऐसे करके वो बनाना है बस। गाइस कमेंट में बताना कैसी लग रही है, मुझे तो काफ़ी मस्त लग रही है अभी के लिए बस। मतलब ये सब एरिया ना और डार्क करना है मुझे, आँख के नीचे वाला। और मुझे कहीं अभी लग रहा है ना मेरे व्लॉग्स थोड़े अनइंटरेस्टिंग हो रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से नहीं, मैं खुद भी जब देखता हूँ ना तो थोड़ा लगता है अजीब सा, पता नहीं क्यों, जैसे आवाज़ गूंजती है ना वो सब हिसाब किताब लगता है। फिर भी इतने सारे सामान होने के बावजूद भी तो, और एक तो मेरा फ़ोन ना काफ़ी करीब रहता है, तो मेरे पास एक माइक है वो मुझे उतार रहा है। आप जिन्होंने मुझे पहले के चैनल से फॉलो किया होगा ना, उनको पता होगा मेरे पास था एक उसका मोनो का माइक, तो वही सब है। अभी हम लोग जा रहे किचन में पानी पीने, काफ़ी अंधेरा है, सारी लाइट वाइट बंद है, मम्मी का फ़ोन बजेगा अभी। और अभी मुझे आज 4 बजे अपने मैं निकल जाऊँगा कोचिंग, फिर वहाँ से आऊँगा जब 1-2 घंटे बाद, तब मैं बाकी का स्केच कंप्लीट करूँगा। और बस उतना है। और अब मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं आपसे इंस्टाग्राम पे रेगुलर पोस्ट करूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी ना रेगुलर पोस्ट करने से ना वो थोड़ा रीच वीच बढ़ती है, फॉलोअर्स भी तो बढ़ाने हैं ना। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो जाके लिंक में से कर लेना, और मैं या स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। और गाइस मेरे हिसाब से ना ये सब जो मेरे पास बॉटल्स पड़ी पोस्टर कलर की, जो मैंने कल आपको दिया था ना, रॉक्सी को दिया था, उसमें ये सारे स्टोन्स हैं मेरे पास। ये ना मेरे जितने भी हर साल की राखी होती है, इसमें कम से कम मेरे पास 7-8 साल पुराने स्टोन्स भी हैं राखी के। तो ये मैं बहुत पहले से जमा कर रहा हूँ, जब हम किराए पर रहा करते थे ना तब से इस डिब्बे में पड़े हैं, और ऐसे ही पड़े हैं। इसमें एक रबर बैंड था भाई, पिघल ख़राब हो गया एकदम। और बहुत लोग कहते हैं कमरे में गोल गोल घूमते घूमते व्लॉग्स बनाता हूँ, हाँ अब क्या करूँ, घर में नहीं दिखा सकता, मतलब मम्मी को पसंद नहीं है। और अभी अंदर इनर ही बस डाला और ऊपर जैकेट डाली, क्योंकि अभी ना थोड़ा गर्म हो गया मौसम, बाहर धूप हो गई ना, देखते हैं कोहरा होगा कि नहीं। मुझे तो गाइस कोहरे में मज़ा आता है, पर हाँ बहुत लोग को दिक्कत होती है जिनको रात भर काम करना होता है, मतलब जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उन लोगों को दिक्कत होती है, और काफ़ी मेहनत करते हैं वो लोग भी, तो अब एक ओपिनियन की वजह से नहीं कर सकते। ओह, एक बार मैंने पढ़ा था ना सोशल में इसी साल कि डेवलपमेंट फॉर वन मे बी नॉट अ डेवलपमेंट, मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, तो वही हिसाब किताब है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और इस बॉक्स में तो मैं अपनी जितनी भी पेंसिल है ना, अभी तो पेंसिल मैंने इसमें रख दी है, मेरी दीदी ने दी थी, तो ये मेरे पास पूरी पेंसिल्स हैं अभी, और सेट में भी हैं, डिब्बे में भी हैं, तो बहुत सारे पेंसिल्स हैं अभी मेरे पास। तो अब यही सब है, और मैंने एक दो सामान भी ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, एक मैं बता सकता हूँ आपको, एक तो सरप्राइज़ है और एक ही मैं बता सकता हूँ आपको कि मैंने वो ऑर्डर कर लिया अपना, एक ब्लेंडर ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि मेरे वाले तो पहले ब्लेंडर थे ना ये वाले, तो ये देख सकते हो ना ये हाथ के पसीने से छूट गए पूरा, मतलब ये ऐसे करता हूँ ना तो बेंड हो जाते हैं। और एक आता है कंप्रेस्ड पेपर वाला,
बढ़िया होता है ये तो, मैंने ऐसे लोकल में खरीदा था तब भी 120 का दिया था, और इसका तो एक पूरा टिश्यू पेपर की तरह खुल गया, क्योंकि उसमें मुझे नॉलेज नहीं थी ना इसको कैसे शेप करते हैं मतलब बढ़िया से। तो अभी मैं इससे पूरा ये पूरा घोड़ा जो है ना वो इससे मैंने बनाया, मतलब ये जो ये वाला हिस्सा है ये और ये, बस इन दोनों जगह मैंने ये बड़ा वाला ब्लेंडर साफ़ किया किसी तरह यूज़ करने के लिए, पर ना ये मुड़ने लगा यूं यूं करके, तो इससे ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही अच्छे से। तो ये वाला जितना भी हिस्सा है ये मैंने बस ईयरबड से बनाया है, तो ये देख सकते हो ईयरबड कितनी लग, दो तीन लग गई ईयरबड। तो अब देखते हैं क्या होता है, अब तो कोचिंग ही निकलना है मुझे सीधे, और इंस्टाग्राम पे ये वाली आर्ट भी मैं डालूंगा, और मेरे पास अभी जितनी भी आर्ट्स है ना ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ मैंने रखा, मेरा फिक्सेटिव भी ख़त्म हो गया गाइस, मतलब थोड़ा बहुत ही है इस ड्राइंग पे, मैं अगर मार दूंगा ना तो फिर ये बॉटल ख़त्म हो जाएगी, तो एक और लेना है, तो मतलब बढ़िया मतलब एक ड्राइंग बच जाती है। और मैंने सोचा है ना अभी इसे ना पूरा बना के क्लीन करेंगे हम लोग, मतलब रबड़ से पूरा हेयर से बस बनाने हैं, तो देखते हैं क्या होता है, तो मिलते हैं हम लोग अब थोड़ी देर बाद ही। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 हो गए हैं, और अभी मेरी आर्ट फुल कंप्लीट हो गई, मतलब पूरा मैंने वो मार दिया फिक्सेटिव, और मैं दिखाता हूँ कैसी है अभी कुछ, ये है वो आर्ट, मतलब ये चमक रही है बहुत ज़्यादा, ये वाली लाइट जल रही है ना, मेरा टेबल जस्ट इधर ही है, मैंने टेबल इसीलिए लगवाया है कि मुझे ये वाली लाइट ना जलानी पड़े, और उधर धूप की रोशनी आती है ना सुबह, तो उससे मैं बना लेता हूँ पूरी आर्ट, तो इसी वजह से मैंने टेबल उस साइड लगवाया है, क्योंकि टेबल इस साइड था ना तो वो इधर से लाइट पड़ती थी तो ड्राइंग चमकती थी, तो हम लोग उधर की लाइट बंद करेंगे। अब भी दिखाता हूँ ये आएगा, अभी असली लुक आ रहा है ना आपको ड्राइंग का, तो ये कुछ इस तरीके का है, और मैंने अपने ब्लॉगिंग के लिए भी जुगाड़ कर लिया है अभी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा वो हो जाएगा सर, ब्लॉगिंग के लिए भी सेट, और हेयर बनाने में ना मुझे दिक्कत हुई थोड़ी, मतलब उतना भी बढ़िया नहीं बन पाया हेयर मुझसे, तो देख सकते हो ना ये थोड़ा हेयर मतलब रफ रफ लग रहा है, बाकी स्केच में तो मैंने पूरा अपना 100% दे दिया भाई, काफ़ी मज़ा आया मुझे बनाने में इससे, और मुझे मैक्सिमम 8 घंटे लगे इससे बनाने में, और मैं झूठ भी नहीं कह रहा 8 घंटे लगे, सबसे पहले दिन आउटलाइन बनाया उस दिन, उसके बाद से जब मैंने शेडिंग चालू की तो 2 घंटे लगे, फिर ऐसे कल 2 घंटे लगे, फिर उसके बाद आज मुझे टोटल मतलब ऐसे करते करते ना कल रात में भी मैं 2 घंटा बैठा था, थोड़ा बहुत वो रिकॉर्ड नहीं किया व्लॉग में, और बताया भी था मैंने कि मतलब ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं होती, 2-2 घंटे है ना एक एक हिस्सा, मतलब फॉर एग्जांपल ये लो ये 2 घंटे में कंप्लीट हुआ, ये 2 घंटा, ये दोनों हिस्सा मिला के 2 घंटा हुआ था, ये वाला और ये वाला 2 घंटा, ये पूरे पे ना मुझे 1 घंटा तो देना ही पड़ा, और मतलब ये ब्लैक ब्लैक एरिया पूरा क्लीन व्लीन करने में मैक्सिमम लेके चलो तुम 7.5, तो मैं 8 ही लेता हूँ अप्रॉक्स, मतलब तो वही सब 8 घंटे में ये स्केच कंप्लीट हुआ, लॉन्गेस्ट स्केच मेरा ये था, फिर इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मंडाला आर्ट्स, मेरे दोनों एलिफेंट वाला मेरे सेकंड पे था, सबसे लंबा टाइम लेने वाला, मतलब मेरे सारे मैक्सिमम स्केचेस ना 2-3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, सबसे फास्टेस्ट स्केच मैंने बनाया था प्रैक्टिस स्केच था वो, आप लोग पता होगा रजनीकांत वाला बनाया था मैंने, और उस पर व्यूज़ भी आए थे अच्छे खासे थोड़े बहुत इंस्टाग्राम पे, तो अब देखते हैं इसको, तो मैंने फिक्सेटिव मार दिया है, तो अब इंस्टा पे भी पोस्ट करना है ना इसे, और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना मैंने दोपहर में बताया था, यहाँ नाम आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा लिंक, वहाँ से फॉलो कर लेना। तो अभी हम लोग को इसमें से कैमरा निकालना है, मैं इसी में अपना कैमरा रखता हूँ, और ये वाला ड्रॉर है ना इसमें मैं इसकी चाबी रखता हूँ, और गाइस आर्ट मटेरियल की वीडियो भी आज मैं अभी सोच रहा हूँ ना, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स जब थोड़े बढ़ जाएंगे बढ़िया से, मतलब 100-100 पार हो जाएँ, 200 हो जाएंगे ना, तब मैं अपनी लॉन्ग वीडियो डालना चालू करूँगा, बे यार ये तो इसका भी पंगा फंस जाता है ना, हाँ अभी खुला, तो इसमें मेरे राइडिंग ग्लव्स पड़े हैं, ये है मेरा लेंस DSLR का किट लेंस है, और उसके बाद ये है मेरा कैमरा का बॉडी, और ये रॉक्सी है, यहाँ रोए जा रहा है, ओए रॉक्सी क्या हो गया, इसको बाहर जाना है पता नहीं क्यों, परेशान हो रहा है भाई तब से, मैं कर नहीं सकता बाहर, मम्मी लोग काम कर रहे हैं ना, तो अभी तो मुझे इसकी फ़ोटो भी लेनी होगी, तो ये देखो ये मेरा आयरन मैन वाला खिलौना है, तो लैपटॉप मेरा यही है, चार्जर मैं नहीं रखता लैपटॉप का, और सुबह से उठने के बाद से ये ऐसे ही पड़ा है पूरा, मतलब कूड़ा कर रखा है मैंने अपना कमरा, आज तो मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि पूरे दिन से ना मतलब इतने दिन से, ओ यार फिक्सेटिव गिर जा रहा है, सब कुछ हो जाएगा, इसका कैप खो गया मैं, तो अब इसको हम लोग जलाते हैं, ये यहाँ से कुछ ऐसे जल जाएगा, तो ये पानी की गिलास पड़ी है, पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा। अब ये लाइट जला ली हमने, कुछ इस तरह से लुक आएगा राइट में ना, ये वाली लाइट ना शाइन नहीं करती उतनी जितना ये वाली करती है, और इस बार मैंने ना पेज को नीट एंड क्लीन कर दिया, एकदम मस्त लग रहा है,
और ड्राई मटेरियल मेरे सारे उधर चले गए हैं, और इस बॉक्स को धोना भी है क्योंकि ये काफ़ी गंदा है, देख सकते हो तुम लोग कितना ज़्यादा गंदा है। इसको धो के मैं इसी में अपने सारे पेंसिल्स रखूँगा और आर्ट मटेरियल्स। अब इस साल तो मुझे लगता है मैं लूँगा, पर अभी नहीं लूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे सामान ले लिए थे मैंने। हाँ, मुझे एक डिस्प्ले बुक और लेनी है, तो फोटो मतलब इसकी खींच के इंस्टाग्राम पे डालने पे। और गाइस बहुत लोग कहेंगे फ़ोन से ही खींच के, मैं फ़ोन से नहीं खींचता, मैं DSLR से खींचूँगा, और DSLR से ब्लॉगिंग का मेरा इंतजाम हो रहा है, मैंने आपको बताया था। तो बस वो अब ये सब करने के बाद मैं व्लॉग एडिट करूँगा, और आप लोगों को व्लॉग शायद पसंद भी आया हो, तो अब व्लॉग एंड ही कर देते हैं। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, तो लाइक कर देना इस व्लॉग को। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।